अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। बदायूं में पुलिस को ऑपरेशन क्लीन जारी है। हत्या का आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। जानकारी है कि एक कांस्टेबल को भी गोली लग गई है। पुलिस ने मासूम छात्रा की हत्या के आरोपी के साथ ये मुठभेड़ हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने मासूम एक छात्रा की हत्या कर दी थी। बलसी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस काफी तेजी के साथ ऑपरेशन क्लीन चला रही है। कई बदमाशों की धरपकड़ जो है वो इसी तरीके से हर रोज हो रही है। कई बदमाश धर दबोचे गए हैं, कई एनकाउंटर में ढेर भी हो चुके हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, जिस बच्ची की हत्या हुई थी उसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था और उसके बाद पुलिस की मुठभेड़ हुई आरोपी से। इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी तो वही एक कांस्टेबल को भी गोली लग गई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मुठभेड़ में हत्यारा गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स ने एक मासूम की जान ले ली थी, जिसके बाद ये शख्स फरार हो गया था। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, उसके बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी के पैर में गोली लगी हुई है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। संवाददाता ओमवीर हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। ओमवीर, जिस तरीके से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, आरोपी गिरफ्तार हुआ, जानकारी है कि एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है, क्या अपडेट है इस मामले में अभी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि बीती रात जनपद बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के में एक 7 वर्षीय बच्ची का खून से लथपथ बॉडी मिली थी। पिता ने यह भी आशंका जताई थी कि रेप के बाद हत्या हुई है। पूरे मामले में पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की। हालांकि फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद में सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी की पहचान हुई और उस आरोपी को आज सुबह 4 बजे पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है और इसके साथ ही एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बना रखिएगा। खबर मथुरा से है। गैंगस्टर पप्पी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हत्या के प्रयास मामले में वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। गैंगस्टर पप्पी पर दर्ज है करीब एक दर्जन मुकदमे। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, कार फिलहाल बरामद कर ली गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है। मथुरा में भी पुलिस की मुठभेड़ हुई, बदमाश पप्पी गिरफ्तार किया गया है। कई मामलों में वांछित चल रहा था। अब खबर अमेठी से है, जहां पर विमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लग गई है। आरोपी से अवैध असलाह, कारतूस बरामद किए गए हैं। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी फिलहाल जब्त किया गया है। टांडा के पास जंगल में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विमलेश तिवारी की हत्या की गई थी और उसके बाद बदमाश फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश को धर दबोचा। अब देखिए, 3 तस्वीरें आ चुकी है, बदायूं, मथुरा और अमेठी। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तीनों ही जगह पुलिस की मुठभेड़ हुई है। कई मामलों में ये बदमाश वांछित चल रहे थे। किसी ने हत्या की थी तो किसी पर लूट के कई मुकदमे दर्ज थे। इन बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। बता रहे हैं कि मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद बदमाश को अस्पताल में एडमिट कराया गया और इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।